गुड इवनिंग एवरीवन और स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में। आज जिस टॉपिक पे व्लॉग है ना, जैसा कि आपको टाइटल एंड थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा, और ये जो बस जर्नी है ना, मैं आज से ठीक एक साल पहले किया था और ये अभी कर रहा हूँ। उसके बाद काफी दिनों बाद ऐसा कोई मैं बस जर्नी कर रहा हूँ, और ये ऐसा वैसा बस नहीं है भाई, बहुत कमाल का बस निकला है, इसलिए मैंने बस प्लान किया। देखो, हम लोग कभी भी ऐसे बस वगैरह से जर्नी करना प्रेफर उतना नहीं करते हैं, सबसे पहले ट्रेन, उसके बाद देखते हैं फ्लाइट का, अगर रेट कम है और टाइम थोड़ा सा ज्यादा सेफ हो रहा है तो ठीक है, उसके बाद देखते हैं। दोनों का ही ऑप्शन नहीं है तब आता है बस। बस वाला नहीं ना, पता नहीं क्यों उतना कंफर्टेबल लगता नहीं है मुझे, तो ये एक रीजन है, उतना बस वगैरह मैं ज्यादा प्रेफर नहीं करता। लेकिन ये बस मुझे काफी कमाल का दिखा। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं सिलीगुड़ी। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, सिलीगुड़ी से हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम सिक्किम जा सकते हैं या तो हम दार्जिलिंग जा सकते हैं, और तीसरा एक और ऑप्शन है, या तो हम लोग शिलोंग जा सकते हैं। आप लोग गेस कर सकते हो कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, बाकी आपको तो सिलीगुड़ी जाने के बाद ही मैं बताऊंगा कि वहां से हम लोग कहाँ जा रहे हैं। चलो, दही खाना अपना हो गया है, और वैसे मैं दिखा देता हूँ कि अपने साथ क्या क्या लेकर जा रहा हूँ मैं। देख लो, मैं जहाँ जा रहा हूँ ना, वहाँ अच्छा खासा ठंड होता है, इसलिए मैं काफी कम दिन के लिए जा रहा हूँ, 5 या 6 दिन के लिए जा रहा हूँ। ये मेरा एक बड़ा वाला बैग है जिसमें 2-3 जैकेट्स मैंने लिए है, और साथ ही ये मेरा लैपटॉप बैग, और ये बैग मैं रखता हूँ जिसमें स्लीपर जूता वगैरह अपना रहता है। अच्छा भैया जी, बस पहुँचने वाला है, तो चलो अपना कैब वगैरह लेके मैं बाकी का बात करता हूँ। आप देखो एक बार, पूरा ब्लू हो रखा है और सामने का क्या हाल हो रहा है देखो। इसीलिए बोलते हैं भाई, गूगल मैप में ज्यादा भरोसा नहीं। फाइनली हम लोग इस प्लेनेट अभी पहुंच गए हैं, स्पेशली ये वाले जगह में ही हमारा मतलब 5-10 मिनट चला गया। कितना बज रहा है अभी? अभी टाइम हो रहा है 5:30, 6 किलोमीटर आने में 1.5 घंटा लग गया। तो हमारा जो बस स्टैंड है, ग्रीन लाइन बस है, उसका जो बस स्टैंड है बस सामने ही है। वो क्या है भाई, BC रॉय, डॉक्टर BC रॉय मार्केट, इसको BC रॉय मार्केट बोलते हैं। जस्ट उसके अपोजिट में ही है हमारा, हो रहा है शायद वही है अपना। दो बस है, अपना कौन सा देखना पड़ेगा। पेमेंट हो गया भाई? हाँ भाई, पेमेंट। चलो भाई, आपसे तो फैमिली वाला रिलेशन हो गया, कितना देर से आपको देख रहे हैं। अब मेरा थोड़ा मुंह सूखा, बताएंगे क्या रीजन है, पापा जी का भी थोड़ा मुंह सूखा हुआ है, इसका रीजन थोड़ा सा देंगे आपको। तो यहाँ पे देख लो, ग्रीन लाइन का काउंटर है। अगर मैं सिंपली लोकेशन की बात करूँ ना, ये देख लो पियरलेस इन होटल सामने दिख रहा है आपको, और अगर आप बीसी रॉय मार्केट भी अगर आप किसी को भी बोलोगे, कोई भी कैब टैक्सी वाला लेकर आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट है ग्रीन लाइन, सब दिखा देगा, सब दिखा। मेरे को लग रहा है यही है अपना बस, बिजनेस क्लास स्लीपर। तो देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले मुझे काउंटर में जाना होगा, मुझे वो फिजिकल टिकट शायद लेना पड़ेगा। टिकट मैंने ऑनलाइन बुक कर लिया है, बता दूंगा कितना टोटल पड़ा कितना नहीं। चलो पहले जाते हैं काउंटर में। फाइनली अभी मैंने कंफर्म किया काउंटर में जाके, तो ये वाला जो देख रहे हो ना, ये अपना बस है, और ज्यादा कुछ नहीं, उन्होंने मेरे से मेरा सीट नंबर पूछा। एक्चुअली मैंने मेक माई ट्रिप से बुक किया है अपना जो ये बस का टिकट है सिलीगुड़ी तक का। तो वहाँ पे आप जब बुक करोगे ना, तो बस नंबर वगैरह नहीं दिखेगा कौन सा आपका बस नंबर है, क्या बुकिंग नंबर आ जाएगा, रेफरेंस नंबर आ जाएगा और सीट नंबर आ जाएगा। तो वो बस सीट नंबर मेरे से पूछे और कितने बजे का बस है ये पूछे। तो मेरा जो बस है 6:30 बजे का, अभी 5:30 बज रहा है, अभी भी हमारे पास 1 घंटा है। तो एक काम करते हैं, अपना लगेज दे देते हैं क्योंकि अपने को लास्ट तक जाना है। तो ये बस का जो इंटीरियर है मैं अभी आपको दिखाऊंगा अंदर जाके। ना लगेज टैग उन देबो? हां दीदी। तो चलो भाई, अब दिखाते हैं आपको बस के अंदर का इंटीरियर। ओहो हो हो, ये तो पूरा खाली भी है। तो अपना जो सीट है देख लेते हैं। ओ भाई साहब, हम लोग ये वाला है ना? नहीं, 16 है, LB16 LB15 ये वाला अपना है, ये वाला। हम लोग तो ये मोहित, वो हम लोग जयपुर गए थे, इसी में गए थे, दो सीट छोड़ के। हाँ, तो हम लोग का यही है, नीचे वाला। उस समय ऊपर वाला था क्या? हाँ, कि नीचे वाला था? ऊपर वाला था, ऊपर वाला था, और अभी अपने को ये नीचे वाला मिला है। बताऊंगा सब कुछ एक एक करके, उसमें रख दो, वो खाली है। देखो भाई, इसका इंटीरियर तो मुझे इंटरसिटी से भी अच्छा लगा अभी तक। हाँ, एक ही चीज कम है। क्या? टॉयलेट। वहाँ कर देना चाहिए था यार। हाँ, जगह तो बहुत, एक बार देख लेते हैं है क्या। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार बस को। भाई साहब देख लो, काफी बड़ा बस है, बहुत बड़ा है। चलो जी, अभी बस के अंदर आ गया हूँ, बस थोड़ा खाली है ना, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इसके इंटीरियर वगैरह के बारे में। इंटीरियर तो नो डाउट बहुत अच्छा लग रहा है, जो हम लोगों ने किया था इंटरसिटी में उससे मेरे को ये ज्यादा कंफर्टेबल और थोड़ा चौड़ा भी लग रहा है हमको ये, थोड़ा बहुत चौड़ा लग रहा है। ऐसे तो यहाँ पे कर्टन्स मिल जाएगा, लेकिन उसमें एक स्लाइडर टाइप का था, आप पूरा अपने आपको ढक सकते हो। कर्टन्स वगैरह से अच्छा मेरे को लगता है वो जो इंटरसिटी में वो देते हैं ना, वो ज्यादा बेटर है। बाकी अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि देख लो, ठीक है। फर्स्ट क्लास है, इसमें USB 2 है। तो यहाँ पे देख लो, आपको ऐसा ही USB पॉइंट मिल जाता है आपकी जस्ट सीट के पास में, और जो सीट का अरेंजमेंट है ना, तो 2x1 है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, और ये जो देख रहे हो ना, ये स्लीपर है, लाइक आराम से आप सो कर जाओ, इसमें सीट भी बहुत कम ही होगा। और एक बात है, आप में से काफी लोगों को लगता होगा कि आपने अगर सीट बुक किया ये वाला, हो सकता है बगल वाला पता नहीं कौन हो, लेकिन नहीं, आप जब सीट बुक करोगे ना, आपको दिखा देगा जहाँ पे फीमेल होगा ना, तो वहाँ पे पिंक सा हो जाता है, तो वहाँ पे अगर कोई बुक करेगा तो कोई फीमेल ही बुक कर पाएगी, अदरवाइज और कोई नहीं। बाकी ऐसे लॉन्ग जर्नी में ऐसा
अभी होता नहीं है। तो यहाँ पे देख लो साइड में मोबाइल होल्डर भी बना हुआ है ये, अब बाकी पीछे भी काफी अच्छा सा कुशन है। कुशन देखो अगर आप बैठते हो तो ठीक है, परफेक्ट है यार, मतलब हमको नहीं लगता ये कितना जगह खाली है। देखो मेरे को लगता है अगर मेरे जैसा भी दो आदमी जाएगा ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जितना सीट खाली है। हाँ ऐसे ही। और एक चीज मुझे नया क्या दिख रहा है इसमें, एक ब्लैंकेट भी दिया हुआ है, दिखाओ तो ब्लैंकेट एक बार। ये वही इंटरसिटी वाला ब्लैंकेट दे रहा है लेकिन। वैसे देख लो इसमें ब्लैंकेट भी मिलता है लेकिन ये जो ब्लैंकेट है इंटरसिटी में 100 रुपीज में खरीदना पड़ता है। हाँ। लेकिन वो आपका हो जाएगा, बट वो ज्यादा बेटर है मेरे को लगता। हाँ। है वो, ये पता नहीं कितना लोग यूज किया होगा नहीं किया होगा, मस्त होता है ब्लैंकेट में अभी तक यूज कर रहा हूँ। 100 रुपया लगता है टिकट में जोड़ दो। और ये है लाइक आपका छोटा पर्स वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और सीट नंबर आप ऊपर से देख पाओगे, जैसे UB मतलब हो गया आपका अपर बर्थ और LB मतलब लोअर बर्थ, जैसा की ट्रेन सब में होता है। मेरे पास ऑप्शन था क्योंकि बस जब मैं बुक कर रहा था ना तो मैक्सिमम मुझे सीट सब खाली दिख रहा था, तो ऊपर नीचे का भी ऑप्शन था। तो ऊपर में तो मैं जर्नी किया हूँ, खाली दिखा रहा था अभी मालूम है क्यों? अभी सब स्कूल कॉलेज ऑफिस सब खुल गए, अभी भीड़ होगा फिर 20 तारीख के 22 दिसंबर के बाद से। बाकी ये जो स्लीपर सब है वैसे तो नीचे रखने का जगह रहता है लेकिन अपने को रिस्क नहीं लेना है। और एक बात है, अगर आप सिंगल ट्रेवल कर रहे हो, अगर आपके साथ कोई और पैसेंजर आ जाता है तो आप कैसे शेयर करोगे? तो यहाँ पे देख लो एक बीच में भी एक कर्टन दिया हुआ है, आप बस अपना बैठ के आराम से सो जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हाँ ये एक चीज है, तो ये सब के मामले में ठीक है। मैं तो बोलूंगा अगर आपको बस जर्नी कर सकते हो, अगर ट्रेन टिकट नहीं मिल रहा है, फ्लाइट तो महंगा रहता है ये, खैर बस आपको मिल जाएगा कोई ना कोई रूट में, बस आपको खाली मिल जाएगा। सिलीगुड़ी के पास बहुत है, बहुत सारा मिल जाता है। और आपको डिसएडवांटेज मैं बोलना चाहूंगा, टाइम बहुत लगाता है यार, टाइम बहुत क्यों है, मतलब ये दिखा रहा है मुझे 7:30 बजे सुबह पहुंचाएगा। मैं तुमको बता रहा 10 बजे 500 किलोमीटर के लिए 13-14 घंटा। फिर भी अगर मैं आपको दिखा दूं तो ऊपर में देख लो आपको AC वेंट मिल जाता है जो कि अभी थोड़ा बहुत काम कर रहा है, थोड़ा बहुत हवा आ रहा है अभी। और ये लाइट्स के लिए है, एक जो AC वेंट है आपके मुंह के पास है और दूसरा वाला जो है ना पैर के पास है, तो ऐसा नहीं कि आपको बस मुंह पे हवा लग रहा है पैर पे नहीं लगेगा, दोनों जगह ही आपको अच्छा कूलिंग मिलेगा। बाकी एक चीज है जो कि हमें वहाँ पे नहीं देखने मिला था इंटरसिटी में, यहाँ पे पिलो भी है, पिलो का भी अच्छा ही लग रहा है। ये ऊंचा 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 था ये वाला सीन था। हाँ ये ऐसे ऊंचा करके दिया हुआ था यहाँ पे, ये ऊंचा तो है ही साथ में एक पिलो भी दे रहा है जिससे ये दिखने में और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये अपना ड्राइवर सीट देख लो, ड्राइवर सीट भी यार मस्त है एकदम, ऑटोमेटिक गियर है, ऑटोमेटिक है। बाकी मैं आपको बस का बाहर का लुक दिखा देता हूँ। तो ये अपना बस है देख लो, WB 19L 1920, इससे मैं पूरी गया था। वॉल्वो का बस तो वैसे भी काफी अच्छा होता है, कंफर्टेबल जर्नी था, वो भी 500 किलोमीटर था, ये भी 500 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ का रोड का आइडिया नहीं है क्योंकि उस टाइम मैं गया था उस समय भी थोड़ा रोड खराब मिला था, इस बार पता नहीं क्या है। देखो ये तो जैसे ग्रीन लाइन का बस है वोल्वो का, ये भी सेम ही है वोल्वो का, ये पोलोमी का है, B11R सेम ही होगा, अंदर का जो मतलब इंटीरियर है सेम ही होगा, कलर थोड़ा अलग होगा लेकिन देखकर ये भी काफी अच्छा लग रहा है वैसे B11R। और ये भी देख लो अपना B11R ही है, ये भी बिजनेस क्लास B11R। वैसे तो ये बस का यहाँ से जो निकलने का टाइम था वो 6:30 बजे का था, अभी 6:28 हुआ है, अभी तक अपने ड्राइवर भाई नहीं आया, नहीं तो वो होता है ना बैठ के इंजन ये करना वो करना, मतलब टेस्ट करना, जैसे पायलट आके बैठा रहता है ना। बस में बोला ना दो ड्राइवर जाए, दो ड्राइवर है तो हाँ देना पड़ेगा यार। देख लो 6:29 हो गया, अभी भी मैं बाहर ही हूँ। क्यों बाहर हूँ? क्योंकि हमारा ड्राइवर ही नहीं अभी तक आया है, तो देखते हैं कितने बजे निकलता है। वैसे तो 6:30 बजे यहाँ से इसका निकलने का टाइम था, और इसका जो पहुँचने का टाइम था वो सुबह के 7:30 या 8 बजे था, तो वो मैं बता दूंगा कहाँ पे इसका पहला स्टॉप था, कहाँ पे हम लोग ट्रैफिक में फंसे रहे हैं और कहाँ कहाँ ये रुकता है, मैं सब कुछ बता दूंगा। अभी वैसे मैक्सिमम मैं देख रहा हूँ सिलीगुड़ी का बस सब निकल रहा है, यही टाइम है हमको लगता है सिलीगुड़ी बस 6:30। वैसे तो मैंने इसका ऑनलाइन टिकट बुक किया है, मैं देख रहा हूँ बहुत लोग फिजिकल टिकट भी लेके चढ़ रहे हैं, ऐसा टिकट भी मिलता है, तो ये बुकलेट जैसा है ना, देख लो अभी ये श्यामोली अंदर में तो पूरा इंटीरियर का काम किया हुआ है। ठीक है चलो भाई अपने ड्राइवर आ गए, ये देख लो हम लोग बैठ चुके हैं और अभी टाइम कितना हो रहा है 6:36, हमारा ड्राइवर भी आ चुका है अभी, ये सर टिकट वगैरह चेक होगा अभी। तो अभी का सीन ये है कि देख लो अभी हम दोनों ही बैठ चुके हैं यहाँ पे, और हम दोनों के बैठने के बावजूद भी देख लो ये बीच में इतना सारा गैप खाली है, बाकी ये सब तो ठीक है। चलो अभी ये जब बस यहाँ से निकलता है तब मैं आपको दिखाता हूँ। एक चीज गलत किया है, मान लो जिसका लैपटॉप है उसके लिए दिक्कत है, USB दिया है, लैपटॉप चार्ज नहीं हो पाएगा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर बाद तो हमको ऐसे बंद करना पड़ेगा, बंद कर दिया, ठंडा लग रहा है काफी, मतलब खतरनाक कूलिंग कर रहा है अंदर। वैसे 6:30 बजे का टाइम था निकलने का और अभी भी हम लोग यहाँ पे आराम ही कर रहे हैं। लाइटिंग काफी अच्छा है, और एक व्लॉगर के लिए और एक यूट्यूबर के लिए लाइटिंग से अच्छा क्या ही हो सकता है, रातों दिनों चलो मैं व्लॉग कम से कम कर पाऊंगा। और बस हमारा निकल गया, चलो जय माता दी, जय माता दी। ये देख लो बस हमारा निकल रहा है धीरे धीरे, अभी मेन रोड पे आएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा, अभी तो बस स्टैंड से ही निकल रहा है। एक वॉशरूम होता ना तो बाकी भाई परफेक्ट हो जाता, 10/10 दूंगा यहाँ पे, बट एक वॉशरूम के लिए 1 पॉइंट थोड़ा सा ये हो जाता है। पापा इधर तो 2-3 पॉइंट कट करेंगे, मैं सीधा सा 4.5 पॉइंट कट करूंगा। मेरे को सिंपल बात देखो मोहित, मेरे को अगर बोलोगे पर्सनली जाने टिकट नहीं मिल रहा मैं तब भी नहीं जाऊंगा, जनरल में जाऊंगा। एक्चुअली सीन क्या है ना, देखो
बहुत लोगों को क्या होता है प्रॉब्लम होता है ना वोमिटिंग वगैरह का, अपने लोगों को ये सब का दिक्कत नहीं है, सब कुछ नहीं है। मेन दिक्कत क्या है पानी दर्द पॉटी का जाता है यार। देखो तुम मुझे गाड़ी चलाने बोलो, मुझे बाइक चलाने बोलो, बाइक लेकर मैं सिलीगुड़ी चला जाऊंगा। बस में बोलोगे तो मतलब ये मेरे को अच्छा नहीं लगता, चाहे जितना भी कम्फर्ट हो, जितना भी कम्फर्ट हो। वैसे अगर मैं टिकट की बात करूँ ना कि पर पर्सन ये बस का टिकट का कितना प्राइस है कोलकाता टू सिलीगुड़ी तक का, पर पर्सन मैंने पे किया है 1500 रुपए के लगभग। ऐसे टिकट का प्राइस 1600 रुपए है, कुछ डिस्काउंट था तो 1500 रुपए में मिल गया पर पर्सन। एक चीज नोटिस किया क्या, जैसे बाहर का दरवाजा बंद हुआ, बाहर का साउंड बंद हुआ, अभी नॉइस नहीं आ रहा बाहर का। दो टिकट का 3000 वही टैक्स वगैरह लगाकर 3200 या 300 रुपए के आसपास पड़ा। तो ये देख लो टाइम 6:42 हो रहा है अभी और हम लोगों का बस निकल चुका है इस प्लेनेट से। बाकी चलो बाहर का अगर कुछ अच्छा नजारा दिखता है तो आपको जरूर दिखाएंगे, और दिखेगा भी, ये लाइट बंद कर देंगे तो VIP रोड ये उधर से जाएंगे। चलो अभी एक काम करते हैं, घर वालों को थोड़ा फोन कर देते हैं कि निकल गए। हाँ जी, तो देख लो अभी हम लोग कोलकाता के सड़कों में निकल चुके हैं, ये पार्क स्ट्रीट मोड अपना। बस में देख लो सभी ने अपना कर्टन लगा दिया है, तो चलो हम लोग भी लगा ही देते हैं। और इससे अच्छा प्राइवेसी क्या चाहिए आपको बताओ। कि अभी कर देते हैं लाइट सारा ऑफ। अब आपको तुमको एक चीज दिखाता हूँ, देखो मैं यहाँ पे देखो होपमैन लिखा हुआ है, होपमैन। ये कहानी मूवी एक तो आया था ना, यहाँ से पास किया था एक तो टैक्सी लेके वो विद्या बालन कहानी हाँ, कहानी मूवी में होपमैन दिखाई दे रहा था। और ये अभी देख लो हम लोग सियालदह स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं, इसी टाइम में ट्रेन छोड़ता है शायद। उस प्लेनेट से यहाँ आने में हम लोग को आधा घंटा लग गया होगा। और ये देख लो, देखते ही देखते अभी हम लोग कितना बज रहा है, 7:44 अभी टाइम हो रहा है और अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं यहाँ से एयरपोर्ट। वैसे भी टाइम देख लो कितना हो रहा है, 7:51 और ये है इसका पहला स्टॉप। यहाँ से कुछ पैसेंजर बोर्ड हुए हैं, अब इसके बाद शायद कृष्णा नगर है, जहाँ भी होगा वो तो मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ कहाँ इसका मतलब बोर्डिंग पॉइंट है। और फिर इसके बाद जो एक डिनर ब्रेक होगा या फिर जो ब्रेक होता है ना चाय कॉफी या फिर खाना वगैरह खाने का जो ब्रेक होता है वो कितने बजे होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल अभी तो टाइम हो रहा है 7:52 और बस हमारा यहाँ से निकल भी गया है। अभी वैसे देखो टाइम 8:15 हो रहा है और अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं मध्यम ग्राम। यहाँ भी मैं देख रहा हूँ बस जब रुका था ना तो काफी 2-4 पैसेंजर यहाँ भी बोर्ड किए हैं। एमिनिटीज अब मैं आपको क्या क्या मिल जाएगा, ये मध्यम ग्राम का स्टार मॉल है। तो ये देख लो अभी मध्यम ग्राम का ये स्टार मॉल अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, ये स्टार मॉल। तो हाँ, आपको एमिनिटीज में मूवी, यहाँ पे मूवी दिखा रहा है बट मूवी पता नहीं कहाँ चल रहा है, पर्दा हटा के अगर मैं देखूँ तो कहीं नहीं चल रहा है मूवी। तो मूवी किस लिए थी हमको भी नहीं पता। वाटर बॉटल भी मिसिंग है, अभी तक नहीं आया। ब्लैंकेट, चलो ब्लैंकेट तो मिल गया अपने पास। चार्जिंग पॉइंट है, हाँ चलो चार्जिंग पॉइंट तो है। अच्छा, रेस्ट स्टॉप यहाँ पे दिया हुआ है, कहाँ कहाँ पे रेस्ट स्टॉप है। एक आएगा 10:45 में जो कि होगा पंठा तीर्था वही तुम्हारा खड़क, ये कृष्णा नगर 25 मिनट का हॉल्ट होगा वहाँ पे। और दूसरा आएगा सुबह का 5:30 बजे डाल खोला। तो अगर आप जब बुक करोगे ना तो आपको दिख जाएगा कहाँ से आपको पिक करना है। अच्छा, बागुई हट्टी भी हाँ, वहाँ पे रुका था बागुई हट्टी। तो आपका जो बस का पिकअप पॉइंट है यहाँ पे दिख जाएगा। हम लोगों का जो पिकअप पॉइंट था ये था इस प्लेनेट, बट यहाँ पे तो टाइम 7 बजे दिखा रहा है, जब मैंने बुक किया था तब 6:30 दिखा रहा था। बस जाम लग गया। तो अभी देख लो अभी वैसे टाइम कितना हो रहा है, लगभग 8:35 हो रहा है। चलो अभी एक सुसु ब्रेक है और ऐसा कुछ प्रॉपर सुसु का जगह नहीं बना हुआ है। अभी जो हम लोगों ने एक टॉयलेट ब्रेक लिया था ना, एक्चुअली वो टॉयलेट ब्रेक नहीं था, इनको यहाँ से शायद सामान वगैरह लोड करना था, नीचे सामान लोड करना था, इसलिए यहाँ पे बोले कि ठीक है जब तक रुका हुआ है आप वॉशरूम होकर आ जाओ, क्योंकि इसके बाद से अब सिंगल लेन स्टार्ट हो जाएगा तो रुकना काफी मुश्किल हो जाएगा। जो इसका बाइक लेके ट्रेवल किया वो बारिश में, वो भी मोहित उनको दिखाऊंगा अगर कोई। अरे नहीं, इस रूट में गए हैं, आइडिया है। और एक बात है कि जो इसका स्टॉप है वहाँ तो ये लोग रुकेंगे ही, लेकिन हाँ ये अब समझो ये इनका आखिरी बोर्डिंग पॉइंट था, अब इसके बाद से वो बोल रहे हैं कि कंटिन्यू ऐसे ही चलेगा बस, वो आपको मैं बताऊंगा। फिलहाल देख लो अभी हमारे जो टिकट के साथ ये पानी भी इंक्लूड था, ये दो हमें छोटा पानी का बोतल मिल चुका है। ये देखो फाइनली हमारा ये पहला रेस्ट स्टॉप है, कितने बजे रात के लगभग 11:15 में। अब बाकी रोड तो भाई साहब पूरा रोड खराब मिला है, बस ऐसे 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 बस पूरा चला है। तो हाँ जी, ये अपना पहला स्टॉप है, ये देख लो अपना बस यहाँ पे। और कैसा रहा जर्नी ये वाला? मेरे लिए तो हरी वाले बस जर्नी, अभी तक हम लोग सोचो 100 किलोमीटर भी पूरा नहीं आया है। और बस जर्नी का सबसे वाहियात बात क्या लगता है हमारा, मैं ये देख लो वो ज्यादा भी रुकेगा वो वॉशरूम का जो पैक रहता है माहौल भाई साहब, ऊपर से ये जो गंध है ना पेट भर दे रहा है। पूरा जर्नी ऐसे वैसे ऐसे ऐसे बस आया है, मतलब हालत खराब हो गया। मैं एडिट करने के लिए नहीं बैठ पा रहा हूँ, मैं अपना लैपटॉप लेकर बैठा हूँ कि अब रोड अच्छा आएगा मैं एडिट करूंगा, अब रोड अच्छा आएगा एडिट।
मैं ऐसे लैपटॉप लेके बैठ रहा हूँ, हिल रहा है ऐसे 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 ऐसे। बोला रहने दो भाई, जब सा रोड अच्छा होगा तब होप की। देखो सब तो बोल रहे हैं कृष्णा नगर के बाद रोड अच्छा है। यहाँ पे देख लो, ये स्कैनिया का बस और ये अपना वोल्वो का। वैसे यहाँ पे खाने का है, रोटी सब्जी का ऑप्शन है, लेकिन बहुत भीड़ है। खाने बैठूंगा तो 20 मिनट में तो नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, देख लो एक भारत बेंच का है, ये स्कैनिया का है, सामने में यहाँ पे वोल्वो का है। नहीं नहीं करके मैं एक अंदाजा लगाऊ ना, इस वाले रो में ये पूरा जो देख रहे हो ना, लगभग नहीं नहीं करके 20-25 करोड़ का तो होगा ही। बस आप ही ब्लॉग बनाते हो, मोहित इनसाइड इट का, आपका बहुत देखता हूँ वीडियो। थैंक यू सो मच। कहाँ जा रहे हो? सिलीगुड़ी। भाई अभी एक चीज मुझे दिखा, ये स्कैनिया के बस में अंदर भी मैं देख रहा हूँ बाइक वाइक भी जा रहा है। ये बाइक वगैरह का पता करना होगा क्या सीन है। कल्याणी के बाद तो काफी लोग बता रहे हैं कि रोड काफी अच्छा है। रात का तो अलग ही माहौल है यहाँ का। और ये ढाबा है देख लो, स्वीट आइटम तो बहुत अच्छा मिल रहा है यहाँ पे। देखते हैं क्या ले सकते हैं क्या नहीं। चाय पीते हैं पहले, चाय पीते हैं। खाने का तो टाइम नहीं है अभी, वैसे ज्यादा नहीं, 20-25 मिनट के लिए बोले रुकेगा, बट 20-25 मिनट से ज्यादा ही रुकेगा ये। मेरे को लगता है ये शायद आधे घंटे के लगभग रुकेगा ये। आपका अगर वो दिक्कत नहीं होता ना, अभी एक चीज हम टेस्ट किए, स्वर भाजा अच्छा, मतलब इतना कमाल का है ना, मैं अभी ले लिया हूँ, एक नंबर है, मजा आ गया। ये मैं थोड़ा सा टेस्ट किया, इतना मतलब कमाल का है, मैं बोला भाई दे दो 200 ग्राम में ले लिया। हाँ जी, तो यहाँ से बस हमारा अब निकलने का टाइम हो गया। टाइम कितना हो रहा है अभी? 11:47। वही मैं बोला ना आपको कि 25 मिनट बोलते हैं, लेकिन आपका आराम से 35-40 मिनट का टाइम दे देते हैं। लेकिन इसलिए वो ऐसा बोलता है ना, ताकि काफी लोग क्या होता है कि बस जाके घर ही बसा लेते हैं, इसलिए वो बोलते हैं कि ताकि जल्दी से खा के आप भाग के आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे आप ब्रेक वगैरह ले सकते हो। वैसे ढाबा यहाँ पे एक ही है, बस बहुत सारा है, इसलिए भीड़ बहुत ज्यादा हो गया था। ऑर्डर वगैरह लेने में भी थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने खाना वगैरह कुछ ऑर्डर किया नहीं। कुछ खाना पीना आपका? ना, पानी भी नहीं। देखो जिसका जिसका ये प्रॉब्लम है वो समझ सकता है कितना दर्द होता है ये चीज का। बाकी अभी ये देख लो अपने केबिन का हाल कुछ ऐसा है। कोई पैदल जाने का रास्ता नहीं है यार, देखो बंद तो रहा है वहाँ का रोड, देखो कब तक बनता है। देख लो वो ढाबा छोड़ के जैसे ही मेरा बस निकला, मेरे को लग गया भूख। ये भूख का भाई कोई इलाज नहीं है। तो हाँ, ये जो मैं लिया था ना स्वर भाजा, वो ले लिया हूँ मैं, और एक चिप्स का पैकेट भी मैं ले रखा था। तो हाँ, यही होने वाला है मेरा आज का डिनर। वो जो आपने देखा हमारा जो लास्ट रेस्ट ब्रेक था, उसके बाद तो भाई जो हम लोग सोए हैं, उसके बाद तो हम लोगों ने दबाकर नींद लिया है। मतलब अभी हमारा नींद खुला, वो भी अंदर में आवाज आ रहा था कि अभी एक 10 मिनट का ब्रेक है, वॉशरूम ब्रेक, आप जल्दी से जिसको वॉशरूम जाना चले जाओ। बाय द वे अभी हम लोग डालखोला में, और टाइम कितना हो रहा देख लो, 5:30। देखते हैं यहाँ पे चाय वगैरह भी काफी कुछ मिल रहा है, कुछ तो ट्राई करना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर अच्छे चाय मिलेगा तो एक कप चाय पीते हैं, कुछ खाएंगे तो नहीं, इतना सुबह खाने का मन भी नहीं करता है। कितने दिनों बाद ऐसे सुबह सुबह मैं उठकर मतलब किसी हाईवे साइड में ऐसे खड़ा हूँ, ये बहुत मिस करता हूँ। एक टाइम था जब सुबह सुबह हम लोग सब में जाते थे वॉक पे, हम लोग वहाँ से हाईवे थोड़ा पास में ही था ना, तो हम लोग साइकिल से ही चले जाते थे, तब का मोमेंट सब याद आ रहा है। फिलहाल अभी मैंने यहाँ पे चाय ले लिया है 10 रुपए करके, चाय ठीक है। वो सुबह वो जो होता है ना नींद खोलने वाला चाय, कड़क चाय, एक्चुअली वही चाय है, चीनी भी कम है, बढ़िया। ब्लैंकेट देकर इन लोगों ने काफी अच्छा काम किया है, नहीं तो यार बहुत ठंड लगता रात में। और अपना बस का भी अब निकलने का टाइम हो गया, ये अपना बस है पीछे देख लो, B11R, ग्रीन लाइन बुला रहा है हम लोगों को। देख लो 7:30 बजे का टाइमिंग था, और अभी 7:26 हो रहा है, और हम लोग एंटर कर गए हैं सिलीगुड़ी। अब बट हमारा जो बस स्टैंड है ना जहाँ पे ये रुकेगा, अभी भी यहाँ से कितना किलोमीटर, 10 तो यहाँ से 10 किलोमीटर और है। हाँ, अभी हम लोग जस्ट अभी एयरपोर्ट क्रॉस किए हैं, बागडोगरा एयरपोर्ट। हाँ जी, तो अभी जस्ट हम लोग सिलीगुड़ी पहुंचे हैं, और टाइम देख लो अभी कितना हो रहा है, 7:55। अब बस यहाँ से अभी अपना लगेज रिसीव करना है, और अपना देख लो इनोवा भी आ चुका है। अब ये इनोवा लेकर हम लोग कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं, वो आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में पता चल जाएगा। चलो बढ़िया है, बस जर्नी स्मूथ था, आ गए आराम से, टाइम पे आ गए वो बात है। चलो जी, अपना यहाँ पे कैब आ चुका है, अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, कहाँ निकल रहे हैं कहाँ नहीं वो आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में पता चलेगा। ठीक है, मेरा फेफड़ा बाहर आ रहा था जैसे ही गाड़ी में बैठे ना, आप ठीक है, आप तो कहीं भी रुका सकते हैं, कहीं भी रुका सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा है ना, आप बस जर्नी कर सकते हो, लेकिन याद रखना कुछ हल्का ही खा के रखना, और रास्ते में कोई अच्छा ढाबा आपको नहीं दिखेगा तो ट्राई करना, अगर हल्का फुल्का कुछ अपने साथ लेके रख सकते हो तो रख लेना खाने का। चलो एक काम करते हैं, ये वाले वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। अब जो नेक्स्ट वाला ब्लॉग देखोगे, हम लोग यहाँ से कहाँ के लिए निकल रहे हैं वो आप ब्लॉग देखोगे। तो अगर यहाँ तक ये वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो, ये जो नीचे सब्सक्राइब बटन है ना, इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। और क्या लगता है जैकेट कब से लगेगा हम लोग को? 1 घंटा में पहनने का मन कर रहा है यार, कब नया नया जैकेट पहनेंगे। एक घंटा और।
रहा है।